हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमिरुल खान। स्वागत है मेरे चैनल सोना 3D होम डिज़ाइन में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ ये घर का डिज़ाइन के बारे में, जो कि देख सकते हैं आप। ये है नक्शा, मतलब कि बंगला का डिज़ाइन है। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा है 53x60 का है। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं एक व्यू हमारा यहाँ पे है। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा दूसरा फ्रंट से है, ये हमारा साइड से हो गया। और उसके बाद हमने तीन व्यू इसका बनाया, मतलब कि एक तो ये, दूसरा फ्रंट, तीसरा ये थोड़ा साइड। ओके, मतलब कि एक साइड ये हो गया, एक फ्रंट हो गया, फिर एक साइड हो गया। ठीक है, तो ये तीनों व्यू आपको दिख रहा है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा पहले क्या है कि कार पार्किंग है यहाँ पे। ठीक है, एक रास्ता हमारा इधर से है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक रास्ता यहाँ से है हमारा मेन गेट, एक गेट मेन गेट यहाँ पे। ये ओपन मतलब कि लिविंग हॉल होगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ओपन यहाँ पे होगा। ओके, इस जगह में, और यहाँ पे ओपन टेरिस गार्डन, और उसके बाद यहाँ पे बालकोनी वगैरह, और यहाँ पे डिजाइन देख सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड से भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ओपन टेरिस गार्डन होगा हमारा, जो कि मैं आपको नक्शा में दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे भी हमारा जो है बालकोनी हो जाएगा, और यहाँ पे पूरा बालकोनी हो जाएगा हमारा राउंड में। ओके, और चलिए मैं आपको अब इसका नक्शा दिखाता हूँ, जो कि है मेरा, जो मैंने बनाया है 53x60 में। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कार पार्किंग के लिए दो कार है हमारा, वो सब मैं आपको नक्शा में दिखाऊंगा। एक एंट्री हमारा यहाँ पे हो गया, एक एंट्री यहाँ पे हो गया, ठीक है, साइड से मतलब कि, और एक एंट्री यहाँ सामने, एक एंट्री यहाँ, और उसके बाद एक एंट्री है साइड से, मतलब तीन एंट्री हो गया। ओके, तो चलिए आपको मैं आपको इसका नक्शा दिखाता हूँ। यहाँ पे मम्टी रूम है हमारा, ऊपर में भी एक छोटा सा मतलब कि रूम बना दिया था एक रूम के लिए, और अटैच है। ओके, और चलिए मैं आपको इसका अब नक्शा दिखाने वाला हूँ। तो ये देख सकते हैं हमारा ग्राउंड फ्लोर का नक्शा है, जो कि 53x60 का। ओके, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 53 फीट है यहाँ पे वेस्ट में, और 60 फीट है नॉर्थ में। ओके, तो चलिए मैं आपको इसका जो पहले प्लॉट ग्राउंड फ्लोर बताता हूँ। ग्राउंड फ्लोर प्लान में प्लॉट एरिया है इसका 8922 स्क्वायर फीट, जो कि इसका प्लॉट एरिया है। ओके, और ये जो बना हुआ है ये पूरा नक्शा जो है डिज़ाइन होगा, ये होगा 1920 स्क्वायर फीट में, मतलब कॉन्सेप्ट प्लान एज पर क्लाइंट के हिसाब से हम बनाते हैं। ओके, तो सामने ईस्ट हो गया हमारा, तो एक यहाँ पे देख सकते हैं कि एंट्री हमारा हो गया ड्राइंग एरिया में। ओके, 11 फीट बाई 7 इंच का, 12 फीट 11 इंच। ओके, ड्राइंग एरिया हो गया आपको बैठने के लिए सोफा वगैरह ये। ओके, और एक किचन हो गया यहाँ पे 10 फीट 11 इंच बाई 8 फीट का। उसके बाद एक बरंडा हो गया हमारा यहाँ पे 8.5x14 का, जो एक रास्ता यहाँ से हमारा होगा। ये रास्ता यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ से डायरेक्ट एंट्री करेंगे, और यहाँ से इस गेट को खोल करके यहाँ से हम ऊपर भी चले जाएंगे। ओके, एक रास्ता हमारा, क्योंकि प्लॉट एरिया बहुत बड़ा है इसका, तो बंगला का डिज़ाइन भी हमने चारों बगल से दिया है, मतलब रास्ता, एक रास्ता हो जाएगा। यहाँ से गेट खोल करके डायरेक्ट ऊपर जा सकते हैं, या यहाँ से डायरेक्ट कंटिन्यू हॉल में आ सकते हैं। ओके, और चलिए मैं आपको दूसरा रास्ता दिखाता हूँ। यहाँ से जो ये बरंडा में आ गया, बरंडा से डायरेक्ट हम लिविंग हॉल में आ जाएंगे, और यहाँ पे एक ओके गेस्ट रूम है, और एक हमारा गैरेज है यहाँ पे, जो कि दो कार लगा हुआ था 3D में, मैंने आपको दिखाया, 17 फीट 3 इंच बाई 17 फीट का हो गया गैरेज। ओके, और यहाँ पे पोर्च हो गया हमारा सामने में, पूरा यहाँ से यहाँ तक पोर्च का डिज़ाइन हो गया, बालकनी पोर्च जो ऊपर में होगा वो। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 60 फीट नॉर्थ के तरफ में एक गेस्ट रूम हो गया, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक जो है ओपन रहेगा यहाँ पे। ओके, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि गेस्ट रूम में एक अटैच ये टॉयलेट हो जाएगा हमारा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट यहाँ पे एक टॉयलेट होगा। ओके, और यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम हो गया, मास्टर बेडरूम 14x15 का है, जो कि इसमें अटैच एक पढ़ाई करने के लिए रूम है 10 फीट बाई 9 फीट 7 इंच, और एक ड्रेसर एक टॉयलेट रूम अटैच हो गया। ओके, और ये भी हमारा बेडरूम है 15 फीट बाई 13 फीट 7 इंच, जो कि अटैच गार्डन होगा। ओके, और एक कॉमन टॉयलेट यहाँ पे हो गया 4 फीट 1 इंच बाई 8 फीट 7 इंच साउथ की तरफ में, और यहाँ पे देख सकते हैं लिविंग हॉल का 17 फीट 8 इंच बाई 25 फीट 4 इंच का हो गया। ओके, ये हो गया 53 फीट बाई 60 फीट। अब मैं उसको फर्स्ट फ्लोर ऊपर का नक्शा दिखाता हूँ। ऊपर का नक्शा यहाँ पे देख सकते हैं, फ्लोर एरिया हो गया 8922, इसका जो कवर्ड है वो है 1970 में, ऊपर में जो बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ओपन टेरिस गार्डन, जो कि 18 फीट बाई 23 फीट 3 इंच का है, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 6 फीट 4 इंच का बालकोनी, और यहाँ पे एक बालकोनी हो गया। ओके, और यहाँ से एक गेट हो जाएगा हमारा यहाँ पे अंत, मतलब कि ओपन टेरिस आने में आने के लिए, और एक जो है कि मास्टर बेडरूम से यहाँ पे अटैच है। यहाँ पे तो लिविंग हॉल है ऊपर में, तो आप यहाँ से आइएगा ऊपर यहाँ पे। ओके, तो लिविंग हॉल से डायरेक्ट आप मास्टर बेडरूम, यहाँ से गेट खुल के इधर मतलब ओपन टेरिस में आ जाइएगा। और एक हो गया यहाँ से आने के लिए, और एक है डाइनिंग हॉल से, मतलब एक डाइनिंग हॉल होगा और यहाँ पे, और यहाँ से भी मतलब तीन गेट यहाँ पे भी है आपको ओपन टेरिस लाने में। ओके, और एक किचन हो गया हमारा डाइनिंग हॉल अटैच, यहाँ पे डाइनिंग हॉल हो गया मतलब खाना खाने के लिए, तो यहाँ से इसका अटैच होगा डाइनिंग हॉल। ओके, और एक हो गया लिविंग लॉबी, मतलब लिविंग हॉल सोफा वगैरह जो लगेगा आपका हॉल का
हॉल सेलिंग वगैरह डिजाइन कीजिएगा तो आपका यहाँ पे होगा। एक यूटिलिटी एरिया हो गया, टॉयलेट का हम बात, यहाँ पे यूटिलिटी एरिया इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप जो है सॉरी मतलब कि वॉशिंग मशीन ये सब आप लगा सकते हैं। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं एक मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम में एक बालकोनी अटैच है। ओके, और इसका ड्रेसर, उसके बाद एक टॉयलेट हो गया हमारा। ओके, जो कि सबका साइज है 14 फीट बाई 12 फीट 8 इंच, 6 फीट 7 इंच बाई 7 फीट का। ओके, ड्रेसर हो गया, एक मास्टर बेडरूम यहाँ पे हो गया, बालकोनी अटैच, और यहाँ पे देख सकते हैं टॉयलेट कम बाथरूम, एक ड्रेसर। ओके, मतलब और एक मास्टर बेडरूम है। तो ऊपर में जो हमारा 3 मास्टर बेडरूम हो जाएगा वो भी तीनों अटैच। ओके, और एक जो है कॉमन रहेगा यहाँ पे, जो कि पढ़ाई करने के लिए रूम होगा, स्टडी के रूम। ओके, और यहाँ पे एक डाइनिंग लॉबी हो गया जो कि किचन अटैच है। ओके, और एक बालकोनी यहाँ पे, और ये सीढ़ी हमारा कंटिन्यू ऊपर चले जाएगा, मतलब छत पे। तो चलिए मैं आपको इसका फिर से 3D एलिवेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं एक साइड हमारा यहाँ पे हो गया, जो कि एक रास्ता, 2 3 जो कि मैंने आपको नक्शा में बताया अभी, और 2 कार पार्किंग। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं सामने में जो कि एक रास्ता यहाँ, दूसरा यहाँ, और 2 कार लगा हुआ है। ओके, यहाँ पे ऊपर में डिजाइन ओपन टेरिस बालकोनी सारा है, और उसके बाद ये साइड एलिवेशन डिज़ाइन हो गया हमारा इधर से। ओके, जो कि देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच।